So, what's up YouTube? This is Gautam and I am presenting you Wrestling Mania. So, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक की SmackDown Live की viewership के बारे में कि आखिर SmackDown Live को इस वीक कितनी viewership मिली. साथ ही साथ TLC से एक बहुत बड़ा spoiler निकल कर आ रहा है. इसके ऊपर भी हम discuss करने वाले हैं. So, ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है. इस वीडियो को पूरा देखे बिना कहीं मत जाइएगा. So, wait किस बात का? वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप के बारे में. तो भैया यहाँ पर इस वीक जिस तरह रॉ को बहुत बुरा घाटा हुआ अपनी व्यूअरशिप को लेकर, उसी तरह स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को भी बहुत बुरा लॉस हुआ है. जहां लास्ट वीक स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2 मिलियन को भी क्रॉस नहीं कर पाई थी, 1.948 मिलियन थी, वहीं इस वीक स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप कुछ हद तक 5% बढ़कर 1.977 मिलियन रही है. सो मे बी कुछ हद तक WWE के फैंस स्मैकडाउन के लिए अभी भी थोड़ी बहुत केयर करते हैं. अब बात करते हैं हमारी मेन न्यूज की, जो कि जुड़ी है TLC के पेपर व्यू को लेकर. तो मैं आपको बता दूं कि TLC पेपर व्यू अब 3 दिन और दूर है और हमारे पास कुछ बड़े स्पॉयलर्स निकल कर आ रहे हैं TLC पेपर व्यू को लेकर. और ये स्पॉयलर्स है टाइटल चेंज को लेकर. तो कास्केड सीट्स के अकॉर्डिंग हमें TLC के पेपर व्यू में कोई भी 3 टाइटल चेंज होते हुए दिखाई देने वाले हैं. लेकिन यहाँ पर यह कंफर्म नहीं किया गया है कि आखिर वो कौन से 3 टाइटल होंगे जो कि अपने हैंड्स को चेंज करने वाले हैं संडे को. अब पॉसिबली अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 3 टाइटल हो सकते हैं. एक पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, क्योंकि भैया जिस तरह का हम देखते आ रहे हैं फ्यूड डीन एम्ब्रोस और सेट रॉलिंस के बीच, इसके चलते पॉसिबली हमें डीन एम्ब्रोस नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते नजर आ सकते हैं. दूसरे टाइटल की बात करें तो वो हो सकता है स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप का. अब यहाँ पर बैटिंग ऑड्स भी यहाँ पर ऑस्का के फेवर में, जैसा कि हमें पता है कि हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा शार्लेट वर्सेस बेकी वर्सेस ऑस्का के बीच. तो ऐसे के अंदर ऑस्का के पास में बैटिंग ऑड्स फेवर में, तो ऐसे में हमें ऑस्का इस संडे को वुमेन्स चैंपियन बनती नजर आ सकती है. अब तीसरे टाइटल चेंज की बात करें तो भैया पॉसिबली वो हो सकता है स्मैकडाउन का टैग टीम चैंपियनशिप. अब जैसा कि आपको पता है कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा उसोस वर्सेस द बार वर्सेस द न्यू डेज के बीच, और यहाँ पर बैटिंग ऑड्स उसोस के फेवर में और काफी हाई फेवर में है, तो ऐसे में हमें नए स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन बनते नजर आ सकते हैं उसोस. अब यहाँ WWE के टाइटल चेंज करवाने के कुछ पॉसिबल रीजंस भी निकल कर आते हैं, क्योंकि जिस तरह WWE की रेटिंग्स कंटिन्यू गिरती जा रही है, इसके चलते TLC पेपर व्यू में टाइटल का चेंज होना कहीं ना कहीं WWE की रेटिंग्स को बढ़ा सकता है. सो गाइस, आपको क्या कमेंट्स है स्मैकडाउन की रेटिंग को लेकर? साथ ही साथ आपको क्या लगता है हमें कौन सा टाइटल चेंज करने को मिलने वाला है, और आपके क्या कमेंट्स है डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेट रॉलिंस के मैच को लेकर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको WWE के रेगुलर अपडेट्स, न्यूज, रूमर्स, प्रेडिक्शंस और इंटरेस्टिंग ओपिनियन जानने को मिलते रहे. सो गाइस, बी सेफ, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो.